ऑलराइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी की अपकमिंग सीरीज रियलमी 10 सीरीज के बारे में। और इसमें दोस्तों जो सबसे वेनिला वाला वेरिएंट होता है रियलमी 10, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो दोस्तों लीक हो चुके हैं। और इनफैक्ट दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो चाइना में शायद ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, चाइना में दोस्तों रियलमी क्यू सीरीज़ के नाम से एक सीरीज़ लॉन्च होती है पूरी स्मार्टफोन की, और वही सीरीज़ के जो स्मार्टफोन होते हैं वो इंडिया में हमें रियलमी की नंबर सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। और हर साल दोस्तों ये रीब्रांडेड की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती है। तो इस बार भी दोस्तों जो चाइना में रियलमी क्यू 5 के नाम से फोन लॉन्च हुआ है, वो इंडिया में कहा जा रहा है कि आपको रियलमी 10 के नाम से देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन सारे आ चुके हैं, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ है, आगे हम लोग सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। खैर चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक आईपीएस डिस्प्ले मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पर 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है, 600 निट्स का यहाँ पर ब्राइटनेस है। तो ओवरऑल डिस्प्ले दोस्तों अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ है तो यहाँ पर डिस्प्ले में जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये पंच होल वाला डिस्प्ले है तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ताकत दी गई है वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट की। तो 5G फ़ोन होने वाला है, अच्छी खासी 5G बैंड्स का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। खैर इसके अलावा एक और बड़ी हाईलाइट फ़ोन की है दोस्तों, यहाँ पर बैटरी फास्ट चार्जिंग। बैटरी तो मैं नहीं कहूँगा, बैटरी 5000 mAh की है, लेकिन जो चार्जर यहाँ पर आपको मिलता है वो दोस्तों 60 वॉट का चार्जर है। अब चाइना में ये जो लॉन्च हुआ है Q5, अगर सेम यही चार्जर के साथ आता है तो 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस प्राइस रेंज में किसी भी फ़ोन में आपको इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम होने वाली है। लेकिन देखते हैं क्या इंडिया में भी जब ये लॉन्च होगा तो यही चार्जर हमें बॉक्स में देखने को मिलेगा, या फिर 30 वॉट का या फिर 33 वॉट का देखने को भी मिल सकता है। लेकिन चाइना में जो फ़ोन लॉन्च हुआ है वहाँ पर 60 वॉट का चार्जर है। कैमराज की बात करते हैं तो बड़ी हाईलाइट यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा। रियर साइड में 3 कैमरा आपको मिलते हैं, 50+2+2 मेगापिक्सल, फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पर नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों यहाँ पर रियलमी जो है वो इस प्राइस रेंज में बजट रेंज में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं दे रहा है, देना चाहिए। बाकी कंपनियाँ यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर दे रही है तो आपको भी यहाँ पर देना चाहिए था। इसके अलावा बाकी के फीचर्स जो रियलमी के फ़ोन में होते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करूँ तो दोस्तों चाइना में इसकी जो प्राइस है वो 13,000-13,500 रुपये देखने को मिली है। अगर इंडिया में सोचे दोस्तों इसी प्राइस पर ये फ़ोन आ जाता है तो काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा है, डिस्प्ले भी हम लोग अच्छा ही कहेंगे, भले ही एमोलेड नहीं है, आईपीएस है 120 हर्ट्ज, लेकिन फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पर काफ़ी कमाल की है। और वैसे रियलमी के कैमरे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, यहाँ पर भी हम लोग होप करेंगे कि अच्छा कैमरा हो। अगर 13,000-14,000 के प्राइस रेंज में ये फ़ोन दोस्तों लॉन्च होता है तो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए बन सकता है। खैर वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन लॉन्च डेट की बात करूँ तो अभी तक ऑफिशियली यहाँ पर रियलमी की 10 सीरीज़ के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि कब तक इंडिया में लॉन्च होंगी। लेकिन यहाँ पर Q3 में आपको शायद ये सीरीज़ जो है वो देखने को मिली जाएगी, Q3 2022 में।